जिला पुलिस कुरुक्षेत्र ने अवैध असला रखने के आरोपी को किया गिरफ्तार। अपराध अन्वेषण शाखा 2 की टीम ने अवैध असला रखने के आरोप में विनोद राम उर्फ खुंखार पुत्र शिंबू रामवासी घरासनी जिला जोधपुर राजस्थान हॉलवासी जुगी नजदीक लैंडमार्क चौक शाहबाद को गिरफ्तार करके एक देसी कट्टा एक जिंदा रौंद बरामद करने में सफलता हासिल की है। जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता नरेश कुमार ने बताया कि दिनांक 9 जुलाई 2023 को अपराध अन्वेषण शाखा 2 के प्रभारी निरीक्षक प्रतीक के मार्ग निर्देश में मुख्य सिपाही दलबीर सिंह अरविंद कुमार महेश कुमार वीरेंद्र विक्रम व गाड़ी चालक मुख्य सिपाही संदीप कुमार की टीम अपराध तलाश के संबंध में बस अड्डा शाहबाद पर मौजूद थी। पुलिस टीम को सूचना मिली कि एक नौजवान लड़का जिसका नाम विनोद राम उर्फ खुंखार है जो कि राजस्थान का रहने वाला है और सड़क बनाने के लिए ठेकेदार के साथ ट्रैक्टर चलाने का काम करता है वह अपने पास नाजायज देसी कट्टा रखता है जो इस समय मारकंडा मंदिर में घूमने के लिए आया है। वह पुराना पुल पर कहीं जाने के लिए खड़ा है। अगर तुरंत रेड की जाए तो विनोद कुमार उर्फ खुंखार नाजायज असला सहित काबू आ सकता है। सूचना पर पुलिस टीम पुराना पुल मारकंडा शाहबाद पर पहुंची जहां पर एक नौजवान लड़का मिला। सूचना के अनुसार कपड़े पहने मिला जिसको पुलिस टीम ने काबू करके उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम पता विनोद राम उर्फ खुंखार पुत्र शिंबू रामवासी घरासनी जिला जोधपुर राजस्थान हॉलवासी झुगी नजदीक लैंडमार्क चौक शाहबाद बताया जिसकी तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक देसी कट्टा व एक जिंदा रौंद बरामद हुए। आरोपी के विरुद्ध थाना शाहबाद में असला अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके अन्वेषण शाखा 2 के सहायक उप निरीक्षक नवीन कुमार की टीम ने आरोपी विनोद राम उर्फ खुंखार को गिरफ्तार कर लिया। माननीय पुलिस महानिदेशक के अनुसार जो है ये आर्म्स एक्ट पकड़ने के लिए इलीगल वेपन्स पकड़ने के लिए एक स्पेशल अभियान चलाया हुआ है और उसी अभियान को हमने आगे बढ़ाते हुए हमारे पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश अनुसार हमने एक जो है विनोद कुमार शाहबाद का रहने वाला है उसको हमने राउंड अप किया है। उससे जब हमने आगे गहनता से पूछताछ की तो उसके कब्जे से एक जो है देसी कट्टा बरामद किया गया है और जिंदा रौंद भी बरामद किए गए हैं। अब वो कहाँ से इसको लेके आया था आखिर उसने इस सवाल का आपको अंजाम देना था किस लिए लेके आया था उसके बारे में गहनता से हमारी सीआई टू की टीम उससे पूछताछ कर रही है और आज उसको पेश अदालत में करके उसका पुलिस रिमांड प्राप्त किया जाएगा ताकि उसकी क्रिमिनल रिपोर्ट को और वो कहाँ से लेके आया था उससे गहनता से पूछताछ की जा सके।